अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर मौका पर आप पटाखे तो जरूर चलाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पटाखे फैक्ट्रियों में बनाए कैसे जाते हैं। आज हम आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्पेशल ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन पटाखों को फैक्ट्रियों में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर वन, रॉकेट। दोस्तों, शादी हो या फिर कोई फंक्शन और या फिर कोई त्यौहार, अगर पटाखों में रॉकेट ना छोड़ा जाए तो फिर मजा ही नहीं आता। आजकल तो कई तरह के पटाखे आ गए हैं जो पूरे आसमान को रंगीन कर देते हैं। दोस्तों, रॉकेट को कैसे बनाया जाता है, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों को गोल गोल काटा जाता है। इसके बाद एक पतले कार्डबोर्ड से ट्यूब की शक्ल बनाकर इन्हें तैयार कर लिया जाता है और फिर इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इनमें स्टिक्स लगाई जाती हैं। इस प्रोसेस के बाद इनमें मट्टी डाली जाती है। इसके बाद इसके नीचे एक सुराख करके इसमें एक फ्यूज डाला जाता है। इसके बाद इनमें बारूद डाला जाता है। दोस्तों, बारूद डालने का काम सबसे आखिर में किया जाता है ताकि इसे बनाने में कोई परेशानी ना आए, और फिर इसको ऊपर से डिजाइन वाले कागज के साथ पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में फरोख्त होने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर टू, फुलझड़ियाँ। दोस्तों, फुलझड़ियाँ एक ऐसा पटाखा है जिसे बच्चे हों या फिर बड़े, सभी चलाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तांबे की तारों को लकड़ी के अंदर सुखाया जाता है। इसके बाद इन तारों को लकड़ी के बने एक सांचे में डालते हैं। इसके बाद दूसरी लकड़ी से इसको पैक कर देते हैं। इस तरह ढेर सारी तारों को इनमें फिक्स कर दिया जाता है और फिर इन तारों को एक खास लिक्विड में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसे सुखाया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में 2-3 घंटों का वक्त लगता है। इसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो फिर इन्हें दोबारा से इस लिक्विड में डुबोया जाता है ताकि ये थोड़ा और मोटा हो सके, क्योंकि फुलझड़ियाँ जितनी ज्यादा मोटी होती हैं उतनी ही ज्यादा देर तक चल सकती हैं। इस प्रोसेस के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का छिड़काव किया जाता है जिसे ये चलते वक्त कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है जिसमें 2-3 दिन का वक्त लगता है और फिर इन्हें पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर थ्री, लाल पटाखे। दोस्तों, लाल पटाखे की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। आइए आपको बताते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े लाल पेपर को इस मशीन में डाला जाता है जो कि इसे रोल कर देती है। ये रोल तकरीबन 1 फीट तक लंबा होता है। इसके बाद इन्हें एक कटर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों को एक मेटल के रिंग में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इस रोल के एक तरफ टिश्यू पेपर लगाया जाता है और दूसरी तरफ मट्टी का लेप लगाया जाता है जिससे जब इसमें बारूद भरा जाए तो वो गिरे नहीं। इसके बाद कुछ धागों में गीला बारूद डालकर इसका फ्यूज बनाया जाता है जो कि पटाखों को चलाने का काम करता है। इसके बाद टिश्यू वाली साइड से इसमें सुराख करके इसमें बारूद डाला जाता है। इसके बाद इनमें धागों को डाला जाता है और फिर इन्हें सुखा लिया जाता है, और इस प्रोसेस के बाद एक शख्स इन्हें लोहे के रिंग में से निकालता है और फिर हाथों से इन्हें लड़ी की तरह बनाया जाता है और फिर इनको एक खास साइज का बनाकर पैक कर दिया जाता है। इस तरह ये लाल पटाखा तैयार हो जाता है। नंबर फोर, बॉम्ब। पटाखों में अगर सबसे ज्यादा किसी की आवाज होती है तो इस बॉम्ब की। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटे कार्डबोर्ड के बक्सों के अंदर बारूद को भरा जाता है। इसके बाद इन बक्सों पर रस्सी को लपेटा जाता है। रस्सी की वजह से बारूद पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से काफी जोर से आवाज आती है। इन पर रस्सी बांधने के बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर इन पर हरा रंग डाल दिया जाता है जो कि थोड़ी देर में सूख जाता है, और फिर इनमें एक सुराख किया जाता है ताकि इनमें फ्यूज डाला जा सके। इसी के सहारे बम्प को फोड़ा जाता है और फिर आखिर में इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर फाइव, अनार। दोस्तों, अनार बनाने का तरीका काफी अनोखा है। इसे भी इसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से रॉकेट को बनाया जाता है, मगर इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को अनार की शक्ल की शेप दी जाती है। इसके बाद इसकी बेस को मजबूत करने के लिए इसमें मट्टी भरी जाती है। इसके बाद इसके ऊपर बारूद भरा जाता है। इसके बाद इसमें फ्यूज लगाकर इसे सूखने के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो इनके ऊपर सुराख करके इनमें फ्यूज डाल दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह सूख जाते हैं तो फिर इनके ऊपर प्रिंटेड लेबल लगा दिए जाते हैं और फिर इन्हें पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।